अब देखिए अपने बनाना एक सम चतुर्भुज, उसने सम चतुर्भुज का नाम दिया है पी क्यू आर एस, दिया ना। सबसे पहले अपने सम चतुर्भुज ऐसे बना लो, ये पी क्यू आर एस हो गया। उसने क्या किया है पी ओ, पी ओ कब होगा, ओ देखो पी क्यू आर एस इन चारों में तो ओ नहीं आया ना, ओ कहां आएगा ध्यान रखना, इस कोणे को कोणे से मिला दो, इस कोणे को कोणे से मिला दो, वह जहां कटेगा वहां बिंदु ओ होगा, बिंदु ओ होगा, समझ गए। अब ये पी ओ ये इतना ही दिया अपने को, कितना 2.8, ये 2.8 है, ये क्या करता है दोनों विकिरण इसको आधे आधे हो जाते हैं, विकिरण आधे आधे, ये 2.8 है, ये भी 2.8 कितने हो गए 5 पॉइंट है, हो गए ना, ये विकिरण आ गया 5 पॉइंट है। अब अपने भुजा नहीं खींचेंगे, पहले विकिरण खींचेंगे 5.6 का, खींच लिया कौन सा पी और आर, ये विकिरण है। अब आपको सम चतुर्भुज बनाना है, कुछ नहीं करना, आप ऐसे करो इस प्रकार को, इस लाइन का आधे से ज्यादा होना चाहिए, कितना भी हो कम नहीं होना चाहिए, आधे से ज्यादा, चाहे इतना ही खोल लो, पूरा ही खोल लो, यहां तक जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खोलोगे हैं, खोलिया, एक चाप ऊपर लगा दो, यानी ये लाइन का आधा आधा होता है, एक चाप ऊपर लगा दो, एक चाप है लगा दिया, इधर रखो, एक चाप ऊपर लगाओ और एक चाप है नीचे लगा दिया, लगा दिया ना, इन दोनों चापों को इस तरह से मिला लो, मिला लिया, कर लोगे। अब क्या करो, देखो ये कितना था 2 पॉइंट, ये कितना था ना, नाप लिया आपने, पूरा पूरा सही है, एक चाप इधर मार दो इतना ही, और एक चाप इस लाइन पे रख करके इधर लगा दिया, अब इनको मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, पी क्यू आर और एस, इस प्रकार हमारा अभिष्ट सम चतुर्भुज बन करे तैयार, बन करे। जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे इसकी रचना कर देंगे, हर सवाल में रचना नहीं बताई जाती, ठीक है ना, आप रचना जैसे बना रहे हो वैसे उसकी रचना करते जाओ, ठीक है, ओके।